अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट कुछ इस प्रकार अरेंज होती है, इसको हम प्रोफिलामेंट बोलते हैं या अल्टरनेट अरेंज्ड है, और ये 25 नैनोमीटर का डायमीटर बनाती हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ 13 प्रोफिलामेंट्स हैं और ये कुछ इस प्रकार अरेंज है सिलेंड्रिकल ऑर्डर में। माइक्रोट्यूबुल्स आपके सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 सेल एंड टिश्यू का, जहाँ स्टार्ट करेंगे हम साइकोस्केलेटन से। सो साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स स्ट्रक्चर विद सपोर्ट, जो सपोर्ट करे। तो सेल का ऐसा सिस्टम जो उसको सपोर्ट करे, तो वो क्या होता है? सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स जो साइटोप्लाज्म में होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं एक फ्रेमवर्क जो सेल को सेल बनाने में मदद करता है। ऐसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन सिस्टम जो उसको ऐसा शेप देता है बॉडी को, लाइक दैट। ओके, तो ये होता है हमारा साइटो स्केलेटन। ओके, और साइटो स्केलेटन का काम क्या होता है? सेलुलर आर्किटेक्चर बनाए रखना, मोबिलिटी माइग्रेशन बनाए रखना, कोई चीज़ अंदर बाहर जाए, सेल मूव कर सके, मूवमेंट हो सीलिया, माइक्रोवेलाई और स्पर्म की टेल का, एंकर करे। अगर सेल को किसी बेसल लेमिना पे जोड़ना है तो एंकर करेगा साइटोस्केलेटन की मदद से, और सेल जंक्शंस बनाएगा। इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हैं, वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर, वो साइटोस्केलेटन की मदद से हो रहा है। साइटोस्केलेटन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन है माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। बहुत ही डिटेल में एक एक को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल है क्या? तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ये आपस में कुछ इस प्रकार अरेंज होकर प्रोफिलामेंट्स बनाते हैं, और ये आगे 25 नैनोमीटर डायमीटर के साथ ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 13 प्रोफिलामेंट्स अटैच्ड हैं इस मैनर में, और ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बन रहा है। कितना? एक माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको डायमीटर पता चल गया और थिकनेस पता चल गई। एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोफिलामेंट्स होते हैं? 13 प्रोफिलामेंट्स होते हैं। डाइमरिक होते हैं। डाइमरिक क्यों बोल रहे हैं? ये और ये दो हैं, इसलिए डाइमरिक। अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, तो इसको बोला क्या गया है? पहला डाइमरिक ट्यूबुलिन। क्या हैं ये? ट्यूब्यूल्स हैं, तो इसमें ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आपने देख लिया, एक्सप्लेन कर दिया। माइक्रो ट्यूब्यूल्स नॉन ब्रांचिंग हॉलो ट्यूब्यूल होते हैं, जो ट्यूबुलिन अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन अगेन वही दिया है। कहाँ होते हैं? सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, माइटोटिक स्पिंडल, एलोंगेटिक सेल प्रोसेसेस और ग्रोइंग एक्सन्स ऑफ न्यूरॉन में। ये एक्सन क्या होते हैं? ये आपका न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में जो एक्सन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शनल कोरिलेशन इसका ये है कि ये मूवमेंट कराते हैं सीलिया, फ्लैजिला का, टेल ऑफ स्पर्म में फ्लैजिला। ओके, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स ऊपर देखा था, सेल डिवीजन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेंट्रियोल में, और माइटोटिक स्पिंडल सेल डिवीजन करवाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल का शेप जैसा है वैसे ही रहे। अब एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट्स की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स देख लिया, सबसे पहले देखा था, फिर अब नेक्स्ट देख रहे हैं माइक्रोफिलामेंट, फिर देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट्स जी एक्टिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक फिलामेंटस एफ एक्टिन बनाता है, उसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। तो जो आप देख रहे हैं वो है क्या? वो एफ एक्टिन है, यानी माइक्रोफिलामेंट्स है एफ एक्टिन, और वो एफ एक्टिन के अंदर जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं। माइक्रोफिलामेंट की कितनी डायमीटर होता है? 6 to 8 नैनोमीटर। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन ए बी पी न्यूज़ नहीं है आपका, ए बी पीज हैं। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जो एक्टिन से बाइंड करें, वो क्या करती हैं? ये कंट्रोल करती हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन। जी एक्टिन आपस में पॉलीमराइज ना हो जाएं, इसको कौन रोकता है? एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स।
और इसी के साथ साथ वो ये इंश्योर करते हैं कि जो लेंथ है एक्टिन फिलामेंट्स की वो कितनी है, कैसे है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो दे क्रॉस लिंक एक्टिन फिलामेंट टू फॉर्म बंडल्स। तो ABPs क्या कराते हैं, क्रॉस लिंक कराते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को ताकि वो बंडल्स बना दें और जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन ना हो, कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा ना हो। और फॉर एग्जांपल फैशन फिब्रिन होते हैं माइक्रोविलाई में। ये क्या है एग्जांपल, माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोविलाई के अंदर क्या है, फैशन और फाइब्रिन माइक्रोफिलामेंट्स। विलाई होता है हम लोग का इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये आपका विलाई है। इस विलाई में ऊपर छोटे छोटे होते हैं माइक्रो विलाई। अब इस माइक्रो विलाई के अंदर, इसके अंदर हैं आपके क्या, माइक्रो फिलामेंट, जिसका नाम दे दिया फैशन और फिम्ब्रेन। ओके, अब आपका है एक्टिन कैपिंग प्रोटीन। एक्टिन कैपिंग प्रोटीन क्या है, उसके भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके एग्जांपल हैं ट्रोपोमोडुलिन। तो ये आपको याद करते चलना है, ये जो चीज़ें हमने अभी कवर करी हैं तीन, फैशन फिम्ब्रेन और ट्रोपोमोडुलिन। तो ट्रोपोमोडुलिन क्या है, एक्टिन कैपिंग प्रोटीन है जो क्या करता है, फर्दर ब्लॉक करता है, ब्लॉक फर्दर एडिशन ऑफ एक्टिन। अब आपका हमारा क्या बन गया, एक्टिन, जी एक्टिन जुड़ जुड़ के एफ एक्टिन बन गया माइक्रोफिलामेंट। अब हमें और जी एक्टिन नहीं जोड़ना है उसमें, तो आपको क्या करना है, उसको रोकना है। तो उसके लिए है ट्रोपोमोडुलिन। और ABPs किसके लिए हैं, ताकि पॉलीमराइजेशन ज़्यादा ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आगे आप ये डायग्राम देखिए, जी एक्टिन ये मोनोमर्स हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं इसमें। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसके अंदर बने हुए हैं। और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में तीन चीज़ होती हैं, ट्रोपोनिन सी जो आपको ऐसे दिख रहा है ये, और ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ये मिलके बनाते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स और ट्रोपोमायसिन। अब ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप ये डायग्राम समझ सकते हैं, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। क्या स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट, जिसमें एक्टिन कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक्टिन हमारा जी एक्टिन से जुड़ जुड़ के एफ एक्टिन बना है। तो जी एक्टिन हमारा क्या है, जी एक्टिन मोनोमर है, ये रिलैक्स्ड स्टेज में है जब ट्रोपोमाइसिन कवर कर रहा है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एफ एक्टिन, किसके लिए, मायोसिन के लिए। आगे क्या हो रहा है, कैल्शियम, कैल्शियम आयन बाइंड कर रहा है ट्रोपोनिन सी से, जो रिजल्ट करेगा किसमें, ट्रोपोमायसिन के रिलीज में। कहाँ से, एफ एक्टिन प्रोड्यूस रिलीज करेगा ट्रोपोमायसिन, तो कैल्शियम एक्सपोज करेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन। तो ये लिखा है, अब समझिए डायग्राम से, डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको, ट्रोपोमायसिन, ये जो आपको ये दिख रहा है वो क्या है, ट्रोपोमायोसिन थ्रेड। तो ट्रोपोमायोसिन का थ्रेड है, इस पूरे को बोल रहे हैं एक्टिन फिलामेंट, जिसमें ऊपर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन, वो एफ एक्टिन है। ओके, तो ये एक्टिन है, और ये जो आपको ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, अगर हम इसको जूम करें तो ये जो दिख रहे हैं दिस, ये आपके कॉम्प्लेक्स हैं, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो अभी यहाँ दिखा था, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। और नेक्स्ट स्टेप में आएंगे कैल्शियम। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब कैल्शियम जब ऐड होता है, तो कैल्शियम किससे ऐड होता है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से जब ऐड हुआ, तो आप देख रहे हैं ट्रोपोनिन क्या, एक्टिन फिलामेंट विद एक्सपोर्ट मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ ये वो हो गया, अटैच हो गया। तो कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन सी, यहाँ पर ट्रोपोनिन सी है, यहाँ पर ही आपका कैल्शियम अटैच हो जाएगा। जब ये कैल्शियम अटैच हो गया आपका, उसके बाद ये कैल्शियम अटैच होने की ही वजह से आपका ट्रोपोमायोसिन रिलीज होगा, किससे, एफ एक्टिन से। ये जो आप देख रहे हैं ये एफ एक्टिन है, आगे चल के क्या रिलीज़ करेंगे, ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि कैल्शियम ही एक्सपोज कर रही है, जिससे वो बाद में अटैच हो रहा है ट्रोपोनिन सी से, और ट्रोपोमायोसिन का रिलीज हो रहा है। ओके, आगे क्या है, फंक्शन क्या है एक्टिन फिलामेंट का, कि ये कोर ऑफ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई अभी आपको दिखा, विलाई के अंदर माइक्रोविलाई, उसके कोर में क्या भरा हुआ है, माइक्रोफिलामेंट्स। और ये मदद करता है सेल मेम्ब्रेन से एंकर करने में, क्यों, जैसे ये आपका बेसल मेम्ब्रेन है, बेसल, एक मिनट, ये आपका बेसल मेम्ब्रेन है, बेसल मेम्ब्रेन में आपको सेल अटैच करनी है,
तो सेल अटैच यूं होगी, ये बॉन्ड बनाने में मदद करेगा कौन, माइक्रोफिलामेंट। और टर्मिनल वेब बनाने में मदद करेगा कि ये सेल है और सेल का ये टर्मिनल पार्ट है और यहाँ पर वेब बनाना है, मतलब अटैच होने के लिए बेसिकली, और किसी चीज़ से टेम्प्रेरी या परमानेंट जोड़ने के लिए। सेल के मूवमेंट में मदद करेगा कैसे, एक्सटेंशन करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको लैमेलिपोडिया बोलते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट, लैमेलिपोडिया क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, सेल मूवमेंट होगा। और फाइलोपोडिया, फाइलोपोडिया क्या है, स्मॉल स्पाइक्स हैं कहाँ पे, सेल के सरफेस पे, जिसको हम लैमेलिपोडिया बोलते हैं। और फाइलोपोडिया के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है कि लैमेलिपोडिया और फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया क्या है, छोटे छोटे स्पाइक्स कहाँ पे, सेल की सरफेस पे, और सेल की सरफेस पे लैमेलिपोडिया। लैमेलिपोडिया क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फाइलोपोडिया के अंदर भी क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, अब है इंटरमीडिएट, लास्ट हमारा जो साइटोस्केलेटन का टाइप है। तो डायामीटर इसका क्या रहेगा, 8 to 10 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट का दोनों के बीच में, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट ट्यूब्यूल के डायमीटर के इंटरमीडिएट, इसीलिए नाम पड़ा है। और इनको 6 मेजर क्लास पे बेस्ड करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोटीन का कंपोजिशन है और सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से 6 मेजर क्लासेस हैं। टेबल 3.3, क्लास 1 इंटरमीडिएट है, क्लास 1, क्लास 2, एक में आता है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर क्लास 1 एंड क्लास 2 के अंदर दो चीज़ आई हैं, क्रेटिन्स और विमेटिन। तो क्रेटिन्स जो हैं वो सारी की सारी एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और विमेटिन मेसेनकाइमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लास 3 में डेस्बिन आते हैं और ग्लियल फाइब्रेली एसिडिक प्रोटीन, ये किस में आते हैं, ग्लियल फाइब्रेली एसिडिक प्रोटीन न्यूरोग्लियल सेल्स और स्वान सेल्स आपके न्यूरॉन में। डेस्मिन मसल सेल्स में होता है, और पेरीफेरिन आपका पेरीफेरल न्यूरॉन्स में होता है, जो बॉर्डर्स के पास में होते हैं। न्यूरोफिलामेंट्स न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, लेमिन्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और फेकनेंस और फेलेंसिन ये आपके लेंस ऑफ आईबॉल में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल क्या है इनका, इंटरमीडिएट का फंक्शन क्या है, ये एक सेल को दूसरी सेल से, दूसरी सेल के बेस से जोड़ने में मदद करता है। दूसरा, क्रेटिन जो सुपरफिशियल लेयर होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, और कोर हेयर के कोर में और नेल्स के कोर में ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट लेमिना, वन सेकेंड, लेमन्स मेंटेन्स द शेप ऑफ न्यूक्लियस। लेमन्स हमारा न्यूक्लियस में होता है, उसका काम होता है न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करे, जबकि जो बीडेड फिलामेंट्स होती हैं आई के लेंस की इंटरग्रिटी को मेंटेन करती हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका कौन सी प्रोटीन है, प्लेकोग्लोबिन्स और डेस्मोप्लेकिन लाइक प्रोटीन, डेस्मोप्लेकिन। और ये मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं सेल टू सेल और सेल टू सेल के बाहर के मैट्रिक्स के जंक्शंस में। नेक्स्ट आगे देख, आगे आपका आता है नेक्स्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, कि स्मॉल स्फेरिकल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के साथ बना होता है, सिलेंड्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड हैं, 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3, और ये आपस में क्या है, देखो ये और ये आपस में 90 डिग्री में होते हैं, सारे के सारे आपस में क्या हैं 90 डिग्री में होते हैं, कुछ इस स्टाइल में अरेंज होता है। तो ये 3 3 3 3 और ये बीच में 1, तो ये पेयर बन जाते हैं ऐसे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये, 3 3 ट्रिपलेट कहलाते हैं, इसको बोलते हैं 9+2 अरेंज, 9+0 अगर बीच में नहीं है तो, अगर बीच में होता है तो बीच में होने की वजह से उसको दूसरा दिखता है, भी आगे देखेंगे। सेंट्रियोल, देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो राइट एंगल पे अरेंज्ड होते हैं। तो क्या है, सराउंडेड बाय पेरी सेंट्रियोलर एरिया,
सेंट पेरी सेंट्रुलर एरिया होता है जिससे वो सराउंडेड रहते हैं। सेंट्रल और पेरी सेंट्रुलर एरिया आपस में क्या कहलाते हैं, सेंट्रोसोम कहलाते हैं, याद रखना है आपको इसको। अगर आप बोल दीजिए पी ए तो पी ए और सेंट्रियोल आपस में मिलके क्या कहलाएंगे, सेंट्रोसोम। या सेंट्रोसोम का दूसरा नाम है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज रीजन। यहाँ पर ऐसा रीजन जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज हो रहा हो, और ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे फंक्शन क्या है इनका, ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, सेंट्रोसोम बनाएंगे तो सेंट्रियोल, और आपका जब जुड़ गया सेंट्रोसोम और पेरी सेंट्रियोलर एरिया तो सेंट्रोसोम के लिए सेंट्रोसोम का काम हो जाएगा माइक्रोट्यूबुल्स का बनाना। माइक्रोट्यूबुल्स पड़ रहे उसको बनाएंगे कौन, सेंट्रोसोम्स। माइटोटिक स्पिंडल्स कौन बनाएंगे, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम। क्या बेसल बॉडीज प्रोवाइड करेंगे सीलिया और फ्लैजिला के लिए, और सेंट्रियोल सेल्फ रिप्लिकेट करेंगे आफ्टर सेल डिवीजन। ओके नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन में क्या है, कुछ बीमारी देखिए क्या, कार्टेजेनर सिंड्रोम। कार्टेजेनर सिंड्रोम में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से सिलेरी मूवमेंट में डिफेक्ट हो जाता है। हम लोग के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलियाँ हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। दूसरा डिफेक्टिव स्पर्म, स्पर्म का मूवमेंट डिफेक्टिव हो जाता है, और फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में डिफेक्टिव सिलेरी मूवमेंट हो जाता है विच रिजल्ट्स इन रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फिर इसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि वो सीलिया मूवमेंट है नहीं तो ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं पैथोजेंस को, और मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉल्सिसिन और ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्सिसिन और विम ब्लास्टिन और विन क्रिस्टीन, ये तीन चीज़ें क्या करती हैं, माइटोटिक स्पिंडल को या माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन को स्टॉप करती हैं और सेल को अरेस्ट कर देती हैं, सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन रोक देंगी। माइटोसिस फेस में सेल डिवीजन अब नहीं होगा। कॉल्सिसिन बहुत यूज़ किया जाता है क्रोमोसोमल स्टडीज़ में, किस चीज़ के लिए, आपकी माइटोसिस को रोकने के लिए, सेल डिवीजन को रोकने के लिए। तो ये तीन केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बीमारी है अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें हमारे डिफेक्ट हो जाता है न्यूरोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट का टाइप है न्यूरोफिलामेंट, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा तो अल्जाइमर डिजीज़, जिससे रिजल्ट ये होगा कि न्यूरोफाइब्रिली टेंगल्स हैं जो हमारे न्यूरॉन में वो इकट्ठे होने लगेंगे। ओके और अल्कोहलिक दूसरी है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, इसमें क्रिएटिन फिलामेंट्स एक्यूमुलेट हो इकट्ठे हो जाएंगे कहाँ पर, लीवर सेल्स में क्रिएटिन फिलामेंट्स इकट्ठे हो गए और क्या करा इन्होंने, इसको बोलेंगे मेलोरी बॉडीज। जब ये क्रिएटिन फिलामेंट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, जैसे आपका ये लीवर की सेल्स है, लीवर की सेल हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल लीवर सेल्स में आपके क्रिएटिन फिलामेंट्स इकट्ठे हो गए तो ये मेलोरी बॉडीज़ कहलाएंगे और इंक्लूजन्स भी बोलेंगे इनको। तो ड्यूस्चीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नेक्स्ट है, एक्स लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, सब में नहीं बहुत कम, बट ओनली इन बॉयज़। इसमें क्या होगा, डिफेक्टिव जीन किसकी होगी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की, मतलब आपकी बॉडी तो बढ़िया होगी लेकिन नॉन फंक्शनल होगी। डिस्ट्रोफिन क्या करेगा, एक एसेंशियल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये सार्कोलेमा की असेंबली करता है मसल स्केलेटल मसल में, बट इसी में डिफेक्ट आ जाता है तो ड्यूचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाती है। ओके नहीं न्यूक्लियस देखते हैं आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली, ओवल और स्फेरिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट ऑफ द सेल सिंगल न्यूक्लियस, सारे सिंगल न्यूक्लियस होते हैं बट कुछ होते हैं जैसे आपके आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियाई होता ही नहीं है, और कुछ होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं जैसे आपके हेपेटोसाइट्स, आपके ट्रांजिशनल एपिथीलियल सेल जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल सेल, ऑस्टियोसाइट्स हैं, सिंक्सियो ट्रोफोब्लास्ट, इसमें मल्टी न्यूक्लियट्स एक दो से ज़्यादा होते हैं, और इंटरफेज ऑफ सेल जब होता है उसमें ये न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और ये किसमें, क्रोमेटिन से बने होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म,
ओके नेक्स्ट पेज में चलते हैं, डायग्राम देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखें तो बीच में आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है जो कि एच स्टेन से आपका क्या हुआ है डाई, और ये क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं आपको, और न्यूक्लियर एनवलप जहाँ पे RER कंटिन्यूड है और RER में राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। क्रोमेटिन आप देख रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन, क्रोमोसोम जो आगे DNA, न्यूक्लियोलस आप न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट देख रहे हैं, वो आपका क्या है न्यूक्लियोलस। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस के अगल बगल जो जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप एक बाईलेमिनर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्नल स्पेस होता है टू लेयर्स के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में। अब जैसे ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बना है, इसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी बात हो रही है। ये कौन सा स्पेस कहलाएगा, पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्नल स्पेस, और दो के बीच में हो जाएंगे न्यूक्लियर पोर। ओके तो न्यूक्लियर पोर ऐसे बना क्योंकि डबल लेयर क्या है आपके न्यूक्लियर एनवेलप, तो न्यूक्लियर पोर क्या है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, मतलब कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर बाहर जानी है तो उसमें मदद करता है। इंटरवल्स इन मतलब कुछ मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में इंटरवल्स हैं, वो आरएनए के ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एनश्योर करेगा। आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वो कंटिन्यूस होती है किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे कि आप ये देखिए ये ऐसे है बट यहीं पर आपके क्या हैं राइबोसोम्स हैं और यहीं से रफ एंडोप्लाज्मिक स्टार्ट हो गया बट इनर में नहीं हुआ, तो ये करैक्टरिस्टिक फीचर है उसका। अब आगे देखिए न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन उसकी इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसको लेमन बोलते हैं, आपने देखा लेमन कहाँ पे है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसको सपोर्ट करेगा कौन, लेमन। एबनॉर्मल लेमन प्रोटीन डिटेक्ट कहाँ करी जाती हैं, ये देखो दिखा कहाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, एमरी ड्रेफस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है जो ये अलाउ करता है कि क्रोमोसोम सेपरेट हों, और सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रिजेंबल हो जाता है। ओके ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, मटेरियल जो न्यूक्लियर एनवेलप एनक्लोज्ड करके रखा हुआ था जिसमें क्रोमेटिन न्यूक्लियाई हैं और इसके अंदर प्रोटीन आयन इंक्लूजन्स होते हैं। क्रोमेटिन क्या है, जेमेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियस के अंदर है, लॉन्ग थ्रेड जिसको क्रोमेटिन कह रहे हैं। इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 से क्रोमेटिन से पता चला कि ये 1.8 मीटर लॉन्ग DNA होता है, 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस का डायमीटर से होता है। ठीक, और क्या DNA की बात हो रही है, क्रोमेटिन की बात हो रही कि क्रोमेटिन का जो बेसिक अगर आप देखें डायमीटर तो खुद उसके जिसके अंदर पैक्ड है उससे 1000 टाइम्स बड़ा है, कितने कॉम्पैक्शन से उसको सेल के न्यूक्लियस के अंदर रखा गया है। देन 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2.85 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो आपस में मिलके डीएनए बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। 23,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होती हैं, कोडिंग जीन्स यानी ऐसी जीन्स जो आगे चल के कोड करके प्रोटीन बनाए फंक्शनल। देन क्रोमेटिन में डीएनए कॉइल तो किसके अराउंड होता है, हिस्टोन से, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाती हैं, उसमें भी डीएनए कॉइल्ड, लेकिन जो डीएनए कॉइल्ड होता है वो हिस्टोन से, और नॉन हिस्टोन वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। प्रेजेंस ऑफ डीएनए और प्रेजेंस ऑफ आरएनए ये डिपेंड करता है कि वो एसिडिक डाई से स्टेन होगा और नेगेटिव चार्ज है क्योंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, और क्रोमेटिन को बेसोफिलिक वो बनाता है इसीलिए वो हेमेटोजाइलिन से स्टेन हो जाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन डीएनए आरएनए। और डेफिनेशन ऑफ जीन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वाइवा वगैरह में, इट इज़ अ यूनियन ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस एनकोडिंग अ कोहेरेंट सेट ऑफ पोटेंशियल ओवरलैपिंग फंक्शनल प्रोडक्ट्स।
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर लगे तो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जीनोमिक सीक्वेंस का एक यूनिट है, ये आपका जीनोमिक सीक्वेंस है पूरा, ए टी जी सी फलाना ढमकाना, ये सारे क्या हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स, और उसमें से एक पार्ट काट लिया वो जीन कहलाएगा, जो कि कोड करेगा आगे चल के किसी प्रोडक्ट बनाने में, जो कि प्रोटीन होगी उसके लिए पोटेंशियल रखता है। तो ये जीन है, फॉर्मेशन करता है बहुत सारी चीज़ों का। अभी देखिए क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, यू क्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो यू क्रोमेटिन जो होता है वो पार्शली कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और लाइट स्टेंड होता है, जहाँ पर भी लाइट स्टेंड दिखेगा वो बहुत एक्टिव है और इंटरफेज में ये एक्सप्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट आपका हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ये आपको कंडेंस दिखेगा और डार्क स्टेंड है, इनएक्टिव रहेगा, और कॉन्जिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन मतलब कि एक थोड़ा अल्टरनेटिंग टाइप में, और ये इनएक्टिव रहता है पूरे के पूरे सेल साइकिल में, यू क्रोमेटिन ही है जो एक्टिव रहता है। और अभी डायग्राम से आपको समझ में आएगा, जैसे हेट्रोक्रोमेटिन आप देखें ये डार्क स्टेंड है, यू क्रोमेटिन थोड़ा थोड़ा लाइट स्टेन है, और एक्टिव वही है जो लाइट स्टेन है। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल इसका है कि सेंट्रोमियर के अराउंड जो टीलोमियर के अराउंड, सेंट्रोमियर के अराउंड और सी बैंड ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड जो होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, जो कि इनएक्टिव होते हैं। अब फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन भी होते हैं, जब उनको ज़रूरत है तब वो हेट्रोक्रोमेटिन है, वो फैकल्टेटिव है ना, तो कभी वो एक्टिव रहते हैं सर्टेन फेज में और बाकी टाइम वो इनएक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिव रहता है कहाँ, एम्ब्रियोजेनेसिस में, बट एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है कब, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, आपके जब 16th डे आफ्टर जब गेस्टुलेशन पीरियड होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होना होता है, बार बॉडी और ड्रमस्टिक बॉडी इसको कहते हैं इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आप समझिए एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव इसलिए होना होता है क्योंकि अगर ये इनएक्टिव नहीं हुआ तो आगे चल के ये कुछ ऐसे लीथल बनेगा, हम लोग की बॉडी के लिए लीथल बनेगा, तो बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। इसीलिए हम लोग जो मेन है उसमें एक्स वाई है, तो एक्स सिर्फ एक है चलेगा, बट यहाँ दो एक्स हैं तो एक को सप्रेस करना होता है या इनएक्टिव करना होता है, तो उसको बार बॉडी कहा जाता है, वरना ये लीथल हो जाएगा फंक्शन। न्यूक्लियोप्लाज्म स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रोमेटिन की, और इट कंसिस्ट मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स किसका, डीएनए और हिस्टोन्स का। हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टोमर बनाते हैं 8 मॉलिक्यूल्स का, और जहाँ डीएनए रैप करता है, बीट्स बनाता है ऑन स्ट्रिंग एपियंस की, एक स्ट्रिंग है उसमें बीट्स हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, क्रोमा मतलब कलर और सोमा मतलब बॉडी। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल मास है हेट्रोक्रोमेटिन का, डार्क स्टेनिंग बॉडी होती है 1-3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, हर न्यूक्लियस में 1-2 न्यूक्लियोआई होते हैं, मैक्सिमम 5-6 हो सकते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियो स्टेमिन प्रोटीन है। उसका काम क्या है, ये P53 प्रोटीन से बाइंड करता है और सेल साइकिल को रेगुलेट करता है और सेल डिफरेंशिएशन कराता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि न्यूक्लियोलस के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है न्यूक्लियो स्टेमिन, ये P53 प्रोटीन से बाइंड करेगा और फिर इसकी वजह से सेल साइकिल रेगुलेट होगी और सेल डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो इसका रिलेशन फंक्शनल कोरिलेशन क्या है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कराएगा न्यूक्लियोलस और सेल साइकिल का रेगुलेशन कराएगा। सेल जंक्शंस क्या हैं, सेल जंक्शंस को हम सेपरेट वीडियो में रखते हैं। ओके, थैंक यू अगेन, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।